हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज सेवन सेशन करते हैं ईपीएफओ क्वेश्चंस का, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री। होप दीज क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू अलॉट। आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पता लग जाते हैं, कुछ रिवीजन हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस टफ भी ले लेता हूँ मैं, जहाँ आपको कुछ और ज़्यादा बातें पता लग जाएँ, ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्चेस वर ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ कहाँ सॉल्ट मार्चेस हुई थी ड्यूरिंग सविनय अवज्ञा आंदोलन। गुजरात में तो हुई है, 12 मार्च को गांधी जी डांडी मार्च शुरू कर देते हैं और साबरमती आश्रम से डांडी तक, जो नौसारी जिले में हुआ करता है। तो पहला तो सही है ही, तीसरा तो सही है ही। मालाबार में के केलप्पन नाम के लीडर ने एक सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज की है और राजगोपालाचारी ने मद्रास में एक सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज की। तो तीनों ही जगह ऑर्गेनाइज होती है सॉल्ट मार्च इन ड्यूरिंग सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, 1, 2 and 3। विच यूरोपियन कंपनी फर्स्ट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इट्स वेल इक्विप्ड आर्मी टू इंटरवीन इन द म्यूचुअल क्वेरल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो भारतीय राज्य हैं, ओब्वियसली वो उस समय आपस में लड़ा करते हैं, भारत एक राष्ट्र जैसा तो उस समय हुआ नहीं करता है। तो ये जो कंपनियां जितनी आई हैं, पुर्तगाली हो या फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, डच हो, इनमें से किसने सबसे पहले अपनी सेना का उपयोग किया कि हम आपको मदद कर देंगे, आप हमको ट्रेड के बेनिफिट्स दे दीजिए, अपनी यहाँ फैक्ट्री खोलने दीजिए। ये परंपरा किसने शुरू की? अंग्रेज़ों ने शुरू की या फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने या डच ने? ये सिस्टम शुरू किया था फ्रांसीसियों ने। ड्यूप्ले नाम का गवर्नर जनरल था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्ले। ही वॉज ड्यूप्ले हु स्टार्टेड दिस सप्लाइंग हिज आर्मी टू इंडियन स्टेट्स। उनकी जो आपस की लड़ाइयाँ था उसका ये फ़ायदा उठाते थे, अपनी आर्मी देकर उनसे ट्रेड के बेनिफिट लिया करते थे। तो ये ड्यूप्ले ने स्टार्ट किया था, फ्रांसीसियों ने बाद में इसे फॉर्मलाइज कर दिया था अंग्रेज़ों ने इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस स्टार्टेड बाई वेलेसली। बाद में इसका और फॉर्मल रूप आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने इसे सब्सिडरी अलायंस कहा था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था सबसे पहले ड्यूप्ले, फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। द कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। अब इसमें मेंबर्स कौन थे? अब मैंने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बना दिए हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पता है, फ्यू मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय जो अंग्रेजी सरकार थी उसके कुछ मंत्री थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ मंत्री थे, इंग्लैंड में जो अंग्रेजों की सरकार है उसके कुछ मंत्री हैं, या इंग्लैंड की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ की मेन पार्टियाँ होती थी उनके कुछ मेंबर्स हैं, या फिर अंग्रेजी सरकार के कुछ मंत्री इंग्लैंड में और यहाँ पर वाइसराय, इन सबको मिला के कैबिनेट मिशन कहा गया। तो इट वॉज बेसिकली फ्यू मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है 1945 में, इंग्लैंड में चुनाव हुए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, लेबर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और लेबर पार्टी ने सरकार बनाई है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालात ऐसे हो गए हैं, भारत में भी और दुनिया में भी ऐसे हालात थे, अंग्रेज़ भारत में अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट ने ये मैसेज दे दिया था कि भारत में रहना है तो बड़ा बदलाव करना होगा। अब वो बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं, इस मुद्दे पे, इस सोच के साथ वो भेजते हैं अपने तीन मंत्रियों को, पैथिक लॉरेंस, हेवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। वहाँ की सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री आए थे तो नाम पढ़ के कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान डिस्कस होता है। और ये पहला एक कह लीजिए, अंग्रेजों ने पहली बार एक प्रोविज़न इसमें लाए हैं जिसमें बोला है हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए रेडी हैं। अभी तारीख कोई नहीं दी है, बट ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए रेडी है। इट वॉज द फर्स्ट फॉर्मल एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश दैट वी आर रेडी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इट वॉज दिस वन, पैथिक लॉरेंस चेयरमैन है उसका, स्टैफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स प्रपोजल लेकर 1942 में आए थे, और ए वी अलेक्जेंडर, इन तीनों को मिला के कैबिनेट मिशन कहा गया था। वेन पोर्चुगीज लैंडेड एट कैलीकट 1498 में, वास्को डेगामा आया है, पुर्तगालियों का एक बेड़ा लेकर पहुंचा है, तो उनको वहां से भगा दिया है विजयनगर के शासकों ने। विजयनगर का बहुत बड़ा विस्तार हुआ था, विजयनगर का इन्फ्लुएंस दूर तक था, तो विजयनगर ने पहले तो कैलीकट से भगा दिया है पुर्तगालियों को, पहला स्टेटमेंट। फ्रांसिस्को डी अल्विडा एक पोर्चुगीज गवर्नर है, आगे चल के उसने गोवा कैप्चर किया है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को हराकर, दूसरा स्टेटमेंट। तो कौन सा सही है? ये भी सही नहीं है, जब
वास्को डिगामा पहुंचा है कालीकट, तो वहां के शासक जमोरिन कहलाते हैं। तो वहां का जो जमोरिन है, जमोरिन किसी शासक का नाम नहीं है, वहां का टाइटल है। तो जमोरिन जो कैलीकट का शासक था, उसने परमिशन दे दी है और पुर्तगाली में व्यापार कर सकते हैं। आगे चलकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नहीं, अल्बियू कर्क आएगा 1509 में। फ्रांसिस्को डी अल्बियू कर्क, अल्बियू कर्क विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के साथ एक अलायंस करेगा। कृष्णदेव राय कहता है कि आप जितने भी घोड़े भारत लाएंगे वो हमको देंगे, आप बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा को नहीं देंगे। घोड़ों की सप्लाई बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए उसने इस शर्त पर कि आप जो हॉर्सेस की सप्लाई करेंगे वो हमको देंगे, तो आई विल हेल्प यू आउट इन कैप्चरिंग गोवा फ्रॉम बीजापुर। गोवा उस समय बीजापुर के पास हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने गोवा कैप्चर किया है बीजापुर से विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने हेल्प की थी फ्रांसिस्को डी इसकी अल्बियू कर्क की। ये अल्बियू कर्क से पहले गवर्नर हुआ करता था, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ही वॉज गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज कंपनी इन इंडिया। तो दोनों ही गलत हैं। और उस इससे पहले कोची पुर्तगालियों का सेंटर हुआ करता था, और 1530 में 30 के आसपास फिर गोवा विल बिकम देयर हेडक्वार्टर, अब गोवा इनकी कैपिटल हो जाएगा। दोनों ही गलत है। 1832 में कुछ जमीन, लैंड वॉज डिमार्केटेड एंड कॉल्ड दमिन ए कोहो, इट वॉज डिक्लेयर्ड टू बी लैंड फॉर सेटलमेंट ऑफ होम, एनसीईआरटी थीम 3 मॉडर्न इंडिया, वहां से क्वेश्चन बनाया है। 1832 में कुछ अंग्रेजों ने जमीन डिमार्केट की है, ये किनको दी है रहने के लिए, मुंडाओं को, संथल्स को, रामोसीज को या पायका को? तो ऑब्वियसली इट वॉज संथल्स को, संथल्स को रहने के लिए जमीन दी है, एरिया डिमार्केट किया है। उस जमीन का नाम, उस एरिया का नाम दमिन ए कोहो पड़ा था, संथल। इस दमिन ए कोहो को ही कंजर्व करना चाहते हैं संथल, तो आगे चलकर संथल रिबेलियन भी हो जाएगी। तो इट इज बी। डलहौजी ने 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया है, आप सब जानते हैं। ऐसा करने में उसकी क्या उद्देश्य था? इन एनेक्सिंग अवध, डलहौजी बीइंग अ रिफॉर्मर एक्टेड विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अवध। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अवध का शासक अवध के लोगों पर सुशासन नहीं कर रहा है। उस अवध के लोगों को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए उसने अवध को कैप्चर किया था। सरकार के रिकॉर्ड्स में बताया गया है कि उनका लॉजिक ये था कि हम गुड ऑफ द गवर्न्ड के बेस पे काम कर रहे हैं, मतलब जो शासित हैं उनको अच्छा शासन देने के लिए हम अवध को ले रहे हैं। अवध का आखिरी शासक वाजिद अली शाह वहाँ के लोगों पर अच्छा शासन नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम हटा रहे हैं और वहाँ के लोगों को अच्छा शासन देंगे। ये उद्देश्य नहीं था। पहला तो सही है, आसान सा है कि अवध को मिस रूल के बेस पर कैप्चर किया है, लेकिन उद्देश्य डलहौजी का ये था। डलहौजी ये कहता था कि जो भारतीय राज्य है वहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जब तक वहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तब तक व्यापार नहीं बढ़ पाएगा। ऑब्वियसली आज भी देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑगमेंटिंग द कंडीशंस ऑफ ट्रेड। तो उस लॉजिक पे काम कर रहा है कि इन राज्यों को अपने अधीन करके यहाँ हालात सही करेंगे ताकि हमारे व्यापार का फायदा हो। तो ये सेकंड करेक्ट नहीं है कि वो अवध के लोगों की कंडीशन इम्प्रूव करना चाहता था, ही जस्ट वॉन्टेड टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन फ्रॉम NCERT क्लास 12th। He was guided by territorial expansion and he considered mal administration of Indian states hampered growth of British trade in Indian states. वहाँ के जो हालात सही नहीं है, law and order सही नहीं है, उसकी वजह से व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, तो व्यापार बढ़ाने के लिए इनको कैप्चर करना जरूरी है। CR फार्मूला किस वजह से आया था? ट्रांसफर ऑफ पावर, ये श्री राजगोपालाचारी हैं, मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और संवैधानिक पाथ पे चलना चाहते हैं। तो सीआर फॉर्मूला था क्या? ट्रांसफर ऑफ पावर बाय कंडक्टिंग पीसफुल निगोशिएशन विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ संवैधानिक तौर पर बात करके ट्रांसफर ऑफ पावर लेने, इसके लिए वो लाए थे सीआर फॉर्मूला। या फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट फ्रंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टू फोर्स द ब्रिटिश टू रिलीज इंडियन लीडर्स हु वर जेल्ड। क्विट इंडिया के बाद बहुत से भारतीय लीडर्स को जेल में, सभी को डाल दिया गया था रदर, तो हम फोर्स करते हैं, जॉइंट फ्रंट बनाते हैं मुस्लिम्स के साथ, लीग के साथ, ताकि हमारे लीडर्स को छोड़ा जाए, ये था। या रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस टू सीसीड थ्रू प्लेबिसाइड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज बीन ऑब्टेंड। या फिर मुस्लिम बाहुल एरिया जो हैं, जो उनके मेजॉरिटी जहाँ पर प्रोविंसेस में वो कह रहे हैं, वहाँ पर जनता का वोट करा लेते हैं, उसके बेस पर उनको अलग कर देते हैं, लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हम दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस ले लेंगे, मुस्लिम लीग कांग्रेस मिलकर पहले इंडिपेंडेंस ले लें, उसके बाद हम
प्लेबिसाइड करा के देख लेंगे कौन से मुस्लिम एरियाज अलग हैं, कौन से वो चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं जनमत में लगता अलग होना चाहते हैं तो अलग कर देंगे। या फिर होल्डिंग एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट शिमला, या शिमला में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसका प्लान बनाने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है, इनमें से कौन सा सही है। तो ऑब्वियसली ये सही है, उनका ये कहना था हिंदू मुस्लिम समस्या का जो निवारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ और भी चीज़ें प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। तो प्लेबिसाइड कराया जाए, जनता का वोट कराया जाए, अगर लगता है कि वहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं अलग कर देते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा होगा, इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा होगा और जो अलग हुए इससे उनको कुछ पावर्स दे देंगे, लेकिन कुछ पावर्स पूरे देश की सरकार के पास रहेंगी। मतलब एक वो फेडरेशन, टिपिकल फेडरेशन का फंडामेंटल देने वाले थे, वो था सीआर फार्मूला। इस यूनियन लिस्ट छोटी सी होगी, स्टेट लिस्ट बहुत बड़ी होगी, मुस्लिम एरियाज अलग भी हो जाएंगे फिर भी एक यूनाइटेड भारत में रहेंगे, उनको शॉर्ट सेंस ऑफ ऑटोनॉमी भी आ जाएगा, येट दे विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट उनका अलग हो भी जाएंगे और नहीं भी होंगे, इसको सीआर फार्मूला कहा गया था। इसके बेस पे गांधी जिन्ना टॉक्स होती हैं 1944 सितंबर में, जिसमें जिन्ना यू कैन से बैक ट्रैक्ड, जिन्ना ने बोला है डिवाइड एंड क्विट, पहले डिवीजन करो फिर हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, पहले इंडिपेंडेंस के बाद प्लेबिसाइट होगा, नो पहले अलग होंगे बाद में इंडिपेंडेंस की बात होगी। तो ये है सीआर फार्मूला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, वैसे आप बहुतों को आता भी होगा। लिटन के बारे में जो उसने प्रेस कानून पास किया था, एक्ट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस एक्ट, जिसे पॉपुलरली आप लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मैंने जानबूझ के इसका नाम लिख दिया है ताकि इसका रियल नाम ये था। कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ एक्ट का रियल नाम लिख देते हैं और हमको नहीं पता था, हमको पॉपुलर नेम पता है, पॉपुलरली कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका रियल नाम ये था। इस एक्ट ने मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया है टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स टू एंटर ए बॉन्ड अंडरटेकिंग नॉट टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो भारतीय भाषाओं के अखबार हैं, वर्नाकुलर अखबार हैं, वो उनका प्रिंटर पब्लिशर मजिस्ट्रेट के साथ बॉन्ड साइन करेगा कि उनके अखबारों में ऐसा कुछ नहीं छपेगा जो सरकारों के खिलाफ डिसअफेक्शन या सेडिशन प्रीच करे। पहला स्टेटमेंट, ये एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, अंग्रेजी भाषा के अखबारों पर ये लागू नहीं होता था, भले ही वो अंग्रेजी अखबार यूरोपियंस ने निकाला हो या इंडियंस ने निकाला हो। इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है ही, दूसरा भी सही है। अंग्रेजी अखबार इससे वो इस पर कवर नहीं हो रहे थे, उनको इसमें से एग्जम्प्ट किया गया था। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपको ये लिख के दे दें, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय यूरोपियंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, नॉट ओनली यूरोपियंस, इवन इफ इंडियंस यूज टू ब्रिंग आउट इंग्लिश न्यूज़पेपर, उनको भी एग्जेम्प्शन हुआ करता था। तो दोनों ही सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इसने प्रेस कानून पास किया है भारतीय प्रेस को दबाने के लिए, इसलिए इस कानून का नाम गैगिंग एक्ट भी पड़ गया था। गैगिंग माने होता है प्रेस की आवाज़ दबाना, प्रेस को गैग कर देते हैं, जब भी प्रेस के साथ वर्ब लगाया जाता है तो प्रेस इज गैग्ड, मतलब प्रेस की आवाज़ दबा दी गई है, तो वर्ब जो हो जाता है वो गैग हो जाता है, तो गैगिंग एक्ट भी जनरली कह दिया गया। तो दोनों ही सही है, इसको फिर ख़त्म करेंगे, इसके बाद रिपन आएगा। लिटन जो है बहुत यू कैन से निगेटिव गवर्नर जनरल कहा जाता था, कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय वाज रिवर्स करेक्टर, तो इट वॉज लिटन। वो हमेशा उल्टी चाल चलता था, जो भारतीयों को सुविधाएं दी गई हैं उनको वो वापस लेना चाहता था, इसलिए लिटन वॉज कॉल्ड वायसराय और गवर्नर जनरल वॉज रिवर्स करेक्टर। रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया था। तो दोनों ही सही है, ये मैचिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जेम्स विल्सन ने अशोक के अभिलेखों को डिसाइफर किया है, एल्फिस्टन ने रैयत वाली सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया है, जॉन मार्शल ने इंडस साइट्स में एक्सकेवेशन कराया है, विलियम जोन्स ने लॉ कमीशन से संबंध है उनका। तो विलियम जेम्स का संबंध इनकम टैक्स से है, केनिंग के समय इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जो केनिंग की काउंसिल का लॉ मेंबर था, मतलब आज की भाषा में लॉ मिनिस्टर, उसने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम जेम्स विल्सन था। जिसने अशोक के लेखों को डिसाइफर किया है उसका नाम जेम्स प्रिंसेप था, 1837 में इसने ही हमें बताया था कि ये जो लेख जारी किए हैं इसके राजा का नाम देवनाम पियदसी है, आई एम बिलेवेड ऑफ गॉड्स,
अशोक कहता है मैं अपने लेखों में अपने आप को मैं देवों का प्रिय हूँ। बाद में जब मास्की एडिक्ट मिलता है कर्नाटक में, उसमें फिर अशोक अपने आप को अशोक कहता है। पहले तो यही माना जाता था कि राजा का नाम देव नाम पियदसी है। तो ये जेम्स प्रिंसेप था। एल्फिस्टन ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट बॉम्बे में लागू किया था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट बॉम्बे में लागू किया था एल्फिस्टन ने, और मद्रास में किया था थॉमस मुनरो ने। तो ये सही है। जॉन मार्शल का संबंध इससे है ही, मैं आपको पिछले डिस्कशन में बता चुका हूँ। और विलियम जोन्स का संबंध लॉ कमीशन से नहीं है। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की थी इसने 1784 में कैलकाटा में। कैलकाटा में ही फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हिस्टोरिकल रिसर्चेस के लिए, स्टडीज़ के लिए, इन द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स ही फाउंडेड दिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका संबंध लॉ कमीशन से नहीं है। उसने संस्कृत वगैरह सीखी है और अभिज्ञान शकुंतलम का वो अंग्रेजी अनुवाद भी करता है। तो फर्स्ट एंड फोर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, सेकंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड, सी इज द आंसर। इनमें से कौन सा मूवमेंट नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इश्यू से संबंधित इनमें से कौन सा मूवमेंट नहीं है? खेड़ा सत्याग्रह, लॉरेंस सत्याग्रह, वाइकोम एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह रेवेन्यू का हुआ ही करता था, ये तो आप आसानी से बता देंगे। गुजरात में अकाल की स्थिति है, किसान कह रहे हैं हमसे पैसा ना लिया जाए, हम देने की स्थिति में नहीं हैं, और अंग्रेज सरकार कह रही है आपको देना पड़ेगा क्योंकि फेमिन कोड, हमारा जो फेमिन का कानून है वो कहता है उपज अगर 25% से कम हुई है तो ही आपको हम एग्जेम्पशन दे सकते हैं टैक्सेस से, और हमारे रिकॉर्ड कहते हैं कि खेती 25% से कम नहीं गई है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये वल्लभ भाई पटेल, बाद में गांधी जी भी और मोहनलाल पांड्या वगैरह ने शुरू किया था, डिस्कस कर चुके हैं। रॉलेट सत्याग्रह आपको पता है कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल कानून जो पास हुआ था 1919 में, उसके बाद गांधी जी ने शुरू किया, तो इसका रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। वाइकोम सत्याग्रह का संबंध टेम्पल एंट्री मूवमेंट से है केरल में। टी के माधवन और के लप्पन इससे संबंधित रहे हैं वाइकोम सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 अक्टूबर में गांधी जी शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया है और कांग्रेस से बात तक नहीं की है, जबकि कांग्रेस उस समय राज्यों में सरकारें चला रही थी। तो कांग्रेस ने बोला है हम इंडिया माइट हैव बीन टेकन टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट इंडियंस डू नॉट सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो भारतीयों का व्यू क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, इसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम एक एक लीडर को अपॉइंट करेंगे, वो एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को से परमिशन लेकर एक पीसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि हम इस नाजीवाद का खंडन तो करते हैं हिटलर के, लेकिन हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पार्ट नहीं हैं। वॉर में हमको ढकेला अंग्रेज़ों ने है, ये भारतीयों का फैसला नहीं है, ये अंग्रेजी सरकार का फैसला है, इसलिए अपनी बात हम रखेंगे लोगों के सामने, वर्ल्ड मीडिया के सामने। तो गांधी जी ने शुरू किया है इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, इसमें ये हुआ है। विनोबा भावे पहले लीडर थे जिनको अपॉइंट किया गया था एज टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसमें ये तीनों रेवेन्यू से संबंधित नहीं है, पहला रेवेन्यू से संबंधित है। दूसरे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। जितने गांधीयन मूवमेंट हुए हैं उनमें लीस्ट सक्सेसफुल माना जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ गांधी द लीस्ट सक्सेसफुल लीस्ट इम्पैक्टफुल वॉज इंडिविजुअल सत्याग्रह। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट लीडर अपॉइंटेड बाई कांग्रेस टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में ये हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, चलिए। आदाज दस्ता बना है किस मूवमेंट के दौरान? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट जेलों में डाल दिया गया है। उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं कुछ यंग नेता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसाफ अली, सुचिता कृपलानी, ये उषा मेहता वगैरह, ये बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे में ये छुप के काम करते थे और एक इन्होंने गुरिल्ला कंटिजेंट बनाया है, छुप के अपना मूवमेंट चला रहे हैं, उसका नाम रखा था आधार दस्ता। इट वॉज पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट व्हेन सर्टेन यंग लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड ए गुरिल्ला मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड आजाद दस्ता, जो छुप के काम करता था, क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था। इट वॉज पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा आसफ अली प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उषा मेहता ने बॉम्बे से कांग्रेस रेडियो चलाया है, जिनको उषा मेहता को रेडियो बैन भी बोला गया, अभी अखबार में 4-5 दिन पहले आया था।
ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, कुछ आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज। पॉलिटी के क्वेश्चंस, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, किस मेजोरिटी से, सिंपल से, स्पेशल से, इफेक्टिव से। लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के मेंबर हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें लाना पड़ेगा रेजोल्यूशन, वो पास होगा भाई इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब टोटल माइनस वैकेंसीज के आधे से एक ज्यादा, कहलाती है इफेक्टिव मेजोरिटी। संविधान में ये कोई भी फ्रेजेस मेंशन नहीं है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, इनको जनरली हम ऐसा कह देते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है, संविधान में लिखा है बाय द देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा के रजिस्टर पर, रोल्स पर जितने मेंबर्स उस समय हैं उनकी मेजोरिटी। अगर वैकेंसी है, मान लीजिए दो मेंबर्स को हटा दिया गया, सस्पेंशन कर दिया गया, लोकसभा से निकाल दिया गया, एक की डेथ हो गई, तो तीन सीटें खाली हैं, इन पर अभी रीइलेक्शन नहीं हुआ है, तो टोटल में से तीन घटा देंगे, आधे से एक ज़्यादा कहलाती है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर ये पास हो गया तो लोकसभा के स्पीकर अब स्पीकर पद पर काम नहीं कर सकते। तो आज तक दो ही बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, जीवी मावलांकर एंड बलराम जाखड़। आज तक दो बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा के मेंबर्स लोकसभा के स्पीकर को हटाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बार ये पास नहीं हुआ था। इसका मतलब आज तक कोई लोकसभा का स्पीकर वोट से हटाया नहीं गया है। दो कोशिश हुई हैं आज तक सिर्फ, जीवी मावलांकर जो पहले स्पीकर थे लोकसभा के, एंड बलराम जाखड़। सिंपल मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज वोटिंग। 100 बैठे हैं, 90 ने वोट किया तो 90 का आधा हो गया 45 प्लस 1 46। स्पेशल मेजोरिटी कई प्रकार की होती है, हाईएस्ट होती है 2/3 ऑफ टोटल, टोटल का 2/3, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इफेक्टिव ये होती है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है अध्यक्ष को हटाने के लिए, मतलब लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को हटाना है इफेक्टिव मेजोरिटी, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है जो कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी, यही इस्तेमाल होती है, अदरवाइज और कहीं इस्तेमाल नहीं होती। ऐसे राज्य में भी जो स्पीकर और चेयरमैन होते हैं उनको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी। एक लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में चार स्टेटमेंट हैं, ये भी एक चर्चा में रहता है पद, इसके बारे में बताइए कौन सा सही है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन टू द रूलिंग पार्टी इन द हाउस, जो रूलिंग पार्टी है मतलब जो मेजोरिटी पार्टी है, उसके बाद जो सेकंड नंबर की पार्टी होती है उसका लीडर ऑटोमेटिकली बन जाता है एलओपी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पोजिशन ऑफ एलओपी इज गिवन ओनली ऑन इट्स रिकॉग्निशन बाई स्पीकर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन ऑन सम क्राइटेरियन। एलओपी का पद तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इस लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तीसरा, पोजिशन ऑफ एलओपी है संवैधानिक रिकॉग्निशन, और संविधान में इसको मेंशन किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, और यह सिर्फ लोकसभा में होता है, तो ऑब्वियसली पहला गलत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर रिकॉग्निशन देंगे तो ही ये पद होगा, वरना नहीं होगा। ऐसी राज्यसभा में चेयरमैन रिकॉग्निशन देंगे तो ये पद होगा। 1877 में इस पद को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था, उससे पहले ये इनफॉर्मल पद हुआ करता था। 1977 में पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, उसमें इस पद को कानून के जरिए इंक्लूड किया गया है। उसमें बोला गया है कि वो उस पार्टी का लीडर जो रूलिंग पार्टी के पास सेकंड पार्टी है उसको कह सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन साथ साथ स्पीकर के डायरेक्शंस भी होते हैं। स्पीकर का डायरेक्शन ये कहता है कि एलओपी उसे कहा जाएगा जिसके जिस पार्टी के पास कम से कम 10% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा होंगी। तो जो 16वीं लोकसभा है, 17वीं है, इसमें जो स्पीकर हैं उन्होंने एलओपी का पद नहीं दिया है, वो इस कानून से नहीं चले हैं, उन्होंने डायरेक्शन को फॉलो किया है, और दोनों ही लोकसभाओं में कांग्रेस के पास 54-55 सीटें नहीं हैं, इसलिए दोनों ही में लोकसभा का एलओपी का पद फॉर्मली नहीं है। इस समय उसे कहते पद को कहते हैं लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर रूलिंग पार्टी। तो एलओपी का पद, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज दिस थिंग एलओपी। और इंडिपेंडेंस से पहले द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम, इंडिपेंडेंस से पहले भी होता था, द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम एलओपी इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज मोतीलाल नेहरू। आपको याद होगा स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, तो मोतीलाल नेहरू को पद मिला था लीडर ऑफ अपोजिशन का इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1923।
एडजमेंट मोशन बड़ा चर्चा में रहा था अभी मॉनसून सेशन में कि पेगासस इशू पर एडजमेंट मोशन लाया जाए, फार्मर्स के इशू पर ये लाया जाए, तो ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन एन इशू मेंशन्ड इन द मोशन फॉलोड बाय वोट। एक नोटिस देगा मेंबर, उसमें वो मुद्दा बताएगा जिस मुद्दे पर अपोजिशन डिस्कशन करना चाहता है, और डिस्कशन होने के बाद उस पर वोट हो जाता है। ये है एडजमेंट मोशन। या इट लीड्स टू रेजिंग एन अर्जेंट इंपॉर्टेंट इशू इन द हाउस बाय इमीडिएट एडजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। कोई मेंबर तुरंत कह सकता है हाउस को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित की जाए, इस मुद्दे को डिस्कशन के लिए लिया जाए। ये होता है। इट इंक्लूड जनरल डिस्कशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट्स फॉलोड बाय वोट। या सरकार की कुछ नीतियां हैं जिस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, और डिस्कशन के बाद वोट होगा। या इट इंक्लूड डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक इशू नॉट फॉलोड बाय वोट। या किसी अहम मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे लेकिन वोट नहीं होगा उसके बाद। तो एडजमेंट मोशन रूल नंबर 56 होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट लाया जाता है, अपोजिशन ही लाएगा ऑब्वियसली। एक मुद्दे पर आएगा, जनरल मुद्दों पे नहीं आएगा, स्पेसिफिक इशू पे आएगा। फार्मर्स इशू पे लाना चाहते हैं हम, या पेगासस पे लाना चाहते हैं, रूल नंबर 56 में सिर्फ लोकसभा में आता है, सरकार के खिलाफ आता है। और डिस्कशन जब अगर नोटिस एक्सेप्ट स्पीकर ने कर लिया कि हाँ ठीक है ये मुद्दा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो स्पीकर बोलेंगे कि आज शाम की 4 बजे के बाद की कार्रवाई अर्जेंट की जाती है और हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। तो एक ही मुद्दे पर आएगा और मुद्दा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, ये स्पीकर को तय करना है। तो इसका आंसर ये है। और इसके बाद वो 2.5 घंटे डिस्कशन होता है, उसके बाद वोट होता है। वोट में अगर सरकार हार भी जाए तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन हाँ ये सरकार की किसी पॉलिसी का स्ट्रांग डिसअप्रूवल पता बताता है। हाउस ने सरकार की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन ये पता लग जाता है कि सरकार की पॉलिसी एज ए होल हाउस ने एंडोर्स नहीं की है। तो ये होता है स्थगन प्रस्ताव, जो सरकार लाने से सरकार हमेशा बचती है इससे, क्योंकि इसमें ओपन डिस्कशन होता है सरकार की पॉलिसी का, बिल्कुल एक तरीके से ओपन बेयर तरीके से उसको अपोजिशन मेंबर्स उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में मेंशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। बात हो रही है समवर्ती सूची की। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ओल्ड एज पेंशन इज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, रिलीफ इन एग्रीकल्चर इंडेबटेडनेस स्टेट लिस्ट। अगर जो किसानों के ऊपर जो कर्जा वगैरह है उसमें रिलीफ देनी है तो ये स्टेट लिस्ट में है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स यूनियन लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट में है। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो तीन हैं ये तीनों फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, ये स्टेट लिस्ट में है, और ये पाँचों एक से लग रहे हैं और लेबर से, वर्कर्स से, वीकर सेक्शन से संबंधित हैं। तो चूंकि EPFO का पेपर ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ का संबंध समवर्ती सूची से नहीं है। इनमें से कौन सा पार्ट फोर्थ का पार्ट नहीं बनता है, ये 4 प्रोविजन से इनमें से कौन सा DPSP से संबंधित नहीं है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री माइन और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, बच्चों का चाइल्ड लेबर। सिक्योरिंग टू ऑल वर्कर्स, जितने भी मजदूर हैं चाहे वो एग्रीकल्चर को हो या इंडस्ट्रियल हो या अदरवाइज हो, मतलब सर्विस सेक्टर में भी हो सकते हैं, उन सबको लिविंग वेज देना। या प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड पर्टिकुलर ऑफ SC एंड ST, या जो वीकर सेक्शंस हैं SC ST है उनके एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए विशेष प्रावधान बनाना। इनमें से कौन सा DPSP में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है Article 15 Clause 4, ये Article 24 है चाइल्ड लेबर, ये Article 43 है, ये Article 46 है। तो ये दोनों DPSP, ये दोनों फंडामेंटल राइट हैं। 46 में वीकर सेक्शंस की पॉलिसी बनाने की बात की गई है, इसी के तहत जो EWS कैटेगरी है वो बनाई गई है। सो दिस इज दिस थिंग, ये DPSP के पार्ट दोनों हुआ करते हैं। लिविंग वेज का मतलब होता है मिनिमम वेज प्लस समथिंग। मिनिमम वेज का मतलब है बस जस्ट बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे पैसा दे दी जाए। लिविंग वेज का मतलब होता है जीवन यापन
कि बेहतर जीवन यापन के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी के लिए भी पैसा दिया जाए। सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के हिसाब से भी काम करना है, हेल्थ के लिए भी काम करना है, एजुकेशन के लिए भी काम करना है, उसे कहते हैं लिविंग वेज। तो जब भी सरकार कोई वेज पॉलिसी डिज़ाइन करे तो वो लिविंग वेज को ध्यान में रख के करे, ऐसा लिखा है आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दिस इज दिस थिंग। कोऑपरेटिव्स पे आजकल चर्चा में है बहुत। कोऑपरेटिव्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। दूसरा, एनी लॉ अफेक्टिंग द पावर्स ऑफ स्टेट्स एंड कोऑपरेटिव्स, राज्यों की जो कोऑपरेटिव्स पे काम करने की पावर है उस पे अगर कोई कानून बनाना है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट को कम से कम आधी विधानसभाओं से इन्हें पास कराना पड़ेगा, वरना कानून अलाउ नहीं होगा। तीसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज मैंशनड इन लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7, ये स्टेट लिस्ट में मैंशनड है, तो ये सही है। कोऑपरेटिव सहकारी समितियाँ बेसिकली क्या है, लोग इकट्ठे मिलकर एक ऐसी बॉडी बना लेते हैं जिससे उनको जो कच्चा माल है सामान बनाने के लिए वो सस्ता मिल जाए, रेडली अवेलेबल हो जाए, बैंकों से रियायत वाले लोन मिल जाए, या जो वो बनाते हैं वो ठीक से बिक जाए, मार्केटिंग पोर्टल मिल जाए उन्हें, जैसे अमूल है या हैंडलूम वगैरह है या खाद वगैरह है, इसके लिए सब लोग मिलकर बना लेते हैं कोऑपरेटिव्स। और कोऑपरेटिव्स आर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे ये कॉरपोरेट नहीं होते हैं, ये सोशलिस्टिक पैटर्न पर काम करते हैं, डेमोक्रेटिकली चलते हैं, ये अपनों में से ही एक को अध्यक्ष चुन लेंगे, एक को उपाध्यक्ष चुन लेंगे, एक को ट्रेजरर चुन लेंगे। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो वीकर सेक्शंस हैं वो एक कॉमन ओनरशिप कर अपने लिए संसाधनों का प्रावधान ले लें सस्ते दर पर, और जो बनाते हैं वो आसानी से बिक जाए, उनको लोन ठीक से मिल जाए। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे राज्यों की कोऑपरेटिव्स पे पावर का हनन हो रहा है, तो ऐसा लॉ बन तो जाएगा लेकिन कम से कम आधी विधानसभाओं से, स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना ज़रूरी है, ये भी सही है। और ये यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है लिस्ट 2 में, तो तीनों ही सही हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। 97th अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है जो कोऑपरेटिव्स पे आया था, क्योंकि पार्लियामेंट ने राज्यों से पास नहीं कराया था, ये पूरा संशोधन तो ख़त्म कर दिया है। इस पे डिफरेंट डिस्का वो है जजमेंट है, लेकिन मेजोरिटी जजमेंट ने कहा ये गलत है। लेकिन अभी भी आर्टिकल 19(1)(c) में जो कोऑपरेटिव्स वर्ड है वो मेंशन है, आर्टिकल 43 जो DPSP है वो भी मेंशनड है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे सेंटर का अधिकार है वो भी इंटैक्ट है, अदरवाइज बाकी जो कानून है संशोधन है ये ख़त्म कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन VP नॉट एक्ट एज राष्ट्रपति, इस किस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के काम नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए, या राष्ट्रपति अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज ना कर पाए, बीमार हो जाए, विदेश चला जाए, या राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो जाए, या जो राष्ट्रपति बनने वाला है वो अपना चार्ज अज्यूम ना कर पाए। अगर इस्तीफा हो जाए राष्ट्रपति का 5 साल से पहले, तो VP राष्ट्रपति बनेंगे। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, अपने कार्य का ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, तो वो चाहें तो VP को चार्ज दे सकते हैं, ये भी सही है। अगर राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो जाए आर्टिकल 61 में, तो जब तक नए राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाएगा तब तक VP राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराकर नया राष्ट्रपति चुन लिया है, राष्ट्रपति के 5 साल हो गए हैं, नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है, और एक पर्टिकुलर डेट को राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट इलेक्ट का मतलब होता है ये चुना हुआ तो है, इसने अभी शपथ नहीं ली है, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो भारत का राष्ट्रपति नहीं कहलाता, तो जो चुना हुआ है लेकिन अभी इसे शपथ लेना बाकी है। कुछ ऐसे हालात हो जाए कि शपथ के वाले दिन से पहले, ऑफिस लेने से पहले वो अपना चार्ज ना ले पाए, कुछ हो जाए, ऐसे में फिर VP को अधिकार नहीं मिलता। ऐसे में जो आउटगोइंग राष्ट्रपति हैं, जो पद खाली करने जा रहे हैं, वो तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति अपना चार्ज नहीं ले लेगा। इस सिचुएशन में VP के पास राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं होता है, चौथा करेक्ट है, बाकी तीनों सही नहीं है। पार्लियामेंट राज्य सूची पर लॉ बना सकता है, कब? अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो, या दोनों हाउस की ज्वाइंट कमेटी अलाउ कर दे तो, राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट कमेटी, या लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन
ये मिल जाए कि हाँ हम राज्य सूची पे कानून बनाने की परमिशन दे सकते हैं, या कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स एक परमिशन ग्रांट कर दें जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर आज देश में हैं कि हाँ ठीक है पार्लियामेंट लॉ बना दे स्टेट लिस्ट पर, तो हो सकता है। ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आर्टिकल 249 में अगर राज्यसभा को लगता है, राज्यसभा के मेंबर्स को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, तो राज्यसभा के मेंबर 2/3 मेजॉरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से परमिशन पास कर देंगे। पास कर देंगे तो पार्लियामेंट उस मुद्दे पर लॉ बना सकता है, वरना पार्लियामेंट खुद स्टेट लिस्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो ए इज द आंसर, ये तीनों सही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।